नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो है पार्ट टू फंडामेंटल राइट्स का। जी हाँ, हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जो पढ़ रहे हैं, एक वीडियो मैंने पहले बताया जहाँ पे मैं आपको आर्टिकल 22 तक बता चुका हूँ। आज हम लोग शुरू करेंगे उसके आगे की कहानी, जानेंगे कि बाकी के कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में डिटेल में, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना बहुत आसान था। मैं आराम से छोटी छोटी बातें बताता, इधर उधर की बातें करता एंड देन कवर हो जाता। पर हम लोग चाहते थे इन डेप्थ डिटेल में जाकर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की जाएं, ताकि आप लोग आगे भी अपने एग्जाम्स की तैयारी इन वीडियोस के साथ कर सको। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप लोग प्लीज़ अपना प्यार हमको दीजिए। वीडियो को हो सके तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास फंडामेंटल राइट की पार्ट टू, मतलब की फंडामेंटल राइट की जो क्लास अभी कल हुई है उसी का पार्ट टू यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले वही रिक्वेस्ट, एक बार फिर से लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है भाई सब लोगों को। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 से, शुरुआत करते हैं आर्टिकल 22 की। जब यहाँ पे बात की जाती है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल सॉरी 22 बोल रहा हूँ, 23 की जब यहाँ पे बात की जाती है तो यह आता है हमारा राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 आते हैं, जिसमें हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मानव का जो एक तरह से बोला जाए बलात्श्रम बोले तो मतलब फोर्सफुली लेबर करवाना या फिर उसको बेचना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को बेचना, उसको सह शरीर किसी के सामने सुपुर्द कर देना, उसको बेच देना, ये चीजें क्या आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 23 क्या करता है, इसका विरोध करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते किसी भी तरीके का, उसके साथ इस तरह का मानव दुर्व्यवहार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इस चीज को यहाँ पर ये क्या करता है, क्लियर करता है। क्लियर, तो जो स्टेट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने नागरिकों को यहाँ पर क्या देगा, एक तरह से संरक्षण देगा, उनको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और फोर्सफुल लेबर से क्या करेगा, एक तरह का प्रोटेक्शन देगा स्टेट, ध्यान रखना। क्लियर, बात समझ में आई आपको? क्लियर, पर यहाँ पर एक चीज और आती है। अब ये तो हो गया इसका 23, ये जो आर्टिकल हो गया कितना, कौन सा, 23(1) क्लॉज 1। अब यहां पर एक और आर्टिकल आता है, कौन सा आता है वो, 23(2). ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी स्टेट किसी पर्सन को कह सकता है, फोर्स कर सकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। पर क्या, संकट की स्थिति में, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी में कोई भी स्टेट किसी पर्सन को किसी भी काम के लिए फोर्स कर सकता है, कह सकता है, और उसको हम लोग यहाँ पे फोर्सफुल लेबर में आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं देखेंगे, क्योंकि तो वो एक सर्टेन रीजन है, कुछ वजह है भाई, कहीं किसी के साथ वॉर कंडीशन आ गई तो हम लोग आपको बोल सकते हैं, स्टेट आपको बोल सकता है बिना पैसे के काम करना पड़ेगा, है ना, आपको 8 की जगह 9 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी 23(2) यहाँ पर किस बारे में बता रहा है। क्लियर है। फिर आप लोगों ने सुना होगा बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ठीक है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम एक्ट जो था। तो जब हम लोग बात करते हैं बंधुआ मजदूरी अधिनियम की, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1976 में ये आया था। ये एक्चुअल में क्या करता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी अधिनियम को क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा महिला और बालों जो बच्चे होते हैं, ठीक है, महिला और बच्चों के साथ जो बलात्श्रम होता है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, रोका गया, या फिर एक तरह से बोले जाए महिलाओं और बच्चों का जो व्यापार होता है, महिला व बच्चों के साथ व्यापार, बच्चों का व्यापार या फिर इसको भी यहाँ पे क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, मना किया गया, रोका गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना 1986, इसको भी यहाँ पे क्या की गई है, प्रोटेक्शन दी गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23।
बात समझ में आई? क्लियर है? प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ट्रैफिकिंग, ठीक है? तो ये वाला, ये दो चीजें आपको क्या, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अब जैसे अभी जो ईपीएफओ का पेपर हुआ है उसमें आर्टिकल 23, 24 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। इजीली देखो यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है, तो ईपीएफओ के पेपर में इस पे क्वेश्चन आए क्योंकि ईपीएफओ के पेपर में एक्चुअल में ये एक अच्छे अच्छा खासा एक डेडिकेटेड टॉपिक है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन राइट, तो आपको भी यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज आती है, केस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये केस था दीना बनाम, दीना वर्सेस क्या नाम था, यूनियन ऑफ, हाँ यूनियन ऑफ स्टेट ही है, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया है, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस हुआ था 1983 में। इस केस में एक्चुअल में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कैदी है, अरेस्ट है, और वो कैद में है, एक्यूज हो चुका है, कैद में है, जेल में है, तो जेल में भी उसको क्या किया जाएगा, एक समान मजदूरी मिलेगी, मतलब कि इक्वल वेजेस यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, ध्यान रखना इक्वल वेजेस उसको क्या किए जाएंगे, अवेलेबल करवाए जाएंगे, याद रही ये बात, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1983। ये केस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको अलग से यहां पे बताया है, इंडिकेट कर दिया है, याद रखना इसे अलग से नोट कर लो। फिर आता है यहां पे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किसके बारे में बताता है, तो यहां पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एट हैजार्ड प्लेसेस। तो किसी भी बच्चे का प्रयोग एज अ एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता अगर उसकी उम्र 14 वर्ष से कम आयु की है। तो ये चीज यहां पर क्या की गई है, बताई गई है, अगर किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम आयु की है तो आप उसे लेबर में एज अ लेबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई यहां पर? फिर आगे चल के यहां पे क्या बाल श्रम अधिनियम आया, एक क्या आया, एक बाल श्रम अधिनियम आया था, एक उसको प्रोटेक्शन, बाल श्रम अधिनियम को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, आर्टिकल 24 ही देता है, चाइल्ड लेबर एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, ये आया था 1986 में। ये जो एक्ट है बाल श्रम अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत यहां पर बच्चों को किसी भी ऐसी स्थिति में काम करने नहीं दिया जाएगा जहां पर उनको किसी भी तरह का नुकसान हो रहा हो, शारीरिक मानसिक नुकसान हो रहा हो, ऐसी किसी भी जगह पर काम नहीं करने दिया जाएगा। आगे चलकर इसी में एक चीज और ऐड कर दी गई 2006 में, इसी में क्या किया गया, ईयर 2006 में एक चीज और ऐड की गई, और वो चीज क्या ऐड की गई, वो चीज ये ऐड की गई कि किसी भी बच्चे से आप, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, किसी भी बच्चे से आप लोग यहाँ पर अपने घर पे भी लेबर नहीं करवा सकते, क्या नहीं करवा सकते, लेबर वर्क नहीं करवा सकते, कहाँ पर, होम एंड होटल, घर में और होटल में भी आप किसी बच्चे से क्या नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, लेबर नहीं करवा सकते। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात सोचिए, आप लोग कहीं पर जाते हो किसी जगह पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर बैठते हो, वहां पे कोई छोटा सा बच्चा आता है साफ सफाई करने के लिए, और आपके साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, आपके साथ जो बच्चा बैठा है आप उसे खरीद खरीद के अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हो, और वहीं पर दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, टेबल पे कपड़ा मार रहा है। इतनी ज्यादा अमानवीय स्थिति है, कहीं ना कहीं उस बच्चे को ह्यूमिलेट वाली कंडीशन है, आप चाहते नहीं हो कि आप उसको ह्यूमिलेट करो, पर वो स्थिति, वो एक तरह का इन्वायरमेंट ऐसा बन गया कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट हो रहा है अपने आप ही, उन कंडीशंस की वजह से, उन स्थितियों परिस्थितियों की वजह से वो क्या हो रहा है, अपने आप ही ह्यूमिलेट हो रहा है। ये अपने आप में बहुत सीरियस चीज है, ठीक है? अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई, पर जहां पर बच्चे काम कर रहे हैं वो जगह, जहां पर बच्चे बोलते हैं हम तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बच्चों से पूछा भी जाता है तो बच्चा बोलता है हम अपनी मर्जी से, देखो यहीं पर फर्क पड़ता है। आर्टिकल 21 हमें कहता है जीवन जीने का अधिकार देता है ना, आर्टिकल 19 जब पढ़ते हैं तो उसमें 19G दे रखा है क्या, कहीं पर भी नौकरी किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, तो जब वो अधिकार है तो कहीं ना कहीं वो चाइल्ड लेबर, अब देखो
होटल मालिक को तो मना किया गया कि आप काम नहीं दोगे, आप काम दोगे तो पनिशमेंट होगा। तो होटल मालिक उनको काम नहीं दे रहा, पर वो फिर यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा कर देते जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के, कि ठीक है होटल मालिक हमें काम नहीं देगा, पर हम कहाँ जाएं, ना हमारे माता पिता है, ना घर में कोई है, ना गाँव है, ना कोई जगह है, माता पिता ने छोड़ दिया, हम ऐसे ही पड़े रहे, आज के टाइम पर हमारी स्थिति ऐसी है, बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमें भी तो कहीं दो रोटी का, हमें भी तो दो रोटी चाहिए, या तो हमें कहीं स्कूल में रख लो, सरकारी स्कूल में डाल दो, हमें किसी सरकारी अनाथालय में डाल दो, तो उतना राज्य के पास मतलब स्टेट उतना कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों के लिए इतना कुछ कर सके। बात समझ में आई आपकी, क्या स्थिति है यहाँ पर? तो वो स्थिति को आप मतलब खुद सोचिए कि वो स्थिति कितनी ज़्यादा वर्स्ट है। अब ऐसे में अगर कोई बच्चा खुद अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अगर वो काम कर रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 यहाँ पे किसको लेकर है? यहाँ पे रिलीजन को लेकर है, आपको पता है। ठीक है, हम लोग आर्टिकल 25 की बात करें, मतलब कि अब बात शुरू हो रही है किसके बारे में? रिलीजन के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, मतलब आर्टिकल 25 से 28 की बात की जाएगी। फ्रीडम ऑफ कंसेंस ऑफ द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को यहाँ पर क्या पूर्ण स्वतंत्रता है, और राज्य किसी भी यहाँ पर क्या नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अलग से प्रवोक नहीं करेगा, उसे अपनी तरफ से क्या नहीं करेगा, आगे धकेलने की कोशिश नहीं करेगा, नेचुरली लोगों के थ्रू जो होता है उस तरीके से चलेगा। यहां पर एक केस हुआ था, ये केस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सत्यरंजन वर्सेस उड़ीसा स्टेट, ठीक है, 2003 में ये जो केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये वर्डिक दी थी कि धर्म का प्रचार, प्रोपोगेशन, प्रचार, ध्यान से समझना, मतलब कि प्रचार, और यहां पे क्या कन्वर्जन, मतलब कि एक तरह से धर्मांतरण, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। धर्मांतरण को आप प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकते, ये चीज यहां पर क्लियर हुई थी। तो न्यायालय ने ये माना कि धर्म के प्रचार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। क्या चीज? प्रचार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। ये चीज किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही। आज के टाइम पर आप लोग जो देखते हो स्थितियां, किसी धार्मिक रूप से, किसी धर्म के द्वारा, या जिसे को हम लोग आज के टाइम पर क्या बोलते हैं, लव जिहाद बोलते हैं। अभी जो लव जिहाद है, एक पर्टिकुलर धर्म के द्वारा, ठीक है, किसी एक अन्य धर्म के लोगों को किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से क्या अपने धर्म में लेकर आने की जो कोशिश है, ये गलत है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर विवाह के द्वारा जानबूझकर, अब विवाह देखो समझ लो, यहां पर एक चीज ये भी है कि अगर आपने किसी कानूनी बेनिफिट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि किसी एक बेनिफिट को लेने के लिए अगर आपने रिलीजन कन्वर्ट किया, तो वो रिलीजन कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। हाँ, आपको आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग शादी करने का अधिकार है, मैंने आपको कल भी बताया था, राइट टू मैरिज है, अभी जो राइट टू मैरिज है, इस राइट टू मैरिज का तो राइट है, आप किसी को पसंद करते हो आप शादी कर सकते हो, मगर धर्म परिवर्तन आप किसी के कहने से नहीं कर सकते, ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर सकते हो। हाँ, अब ये समाज की एक प्रथा है कि पति जिस धर्म में होता है, अगर पत्नी किसी अन्य धर्म से आती है और वहां पे आकर शादी कर लेती है, तो फिर उसका धर्म भी वही माना जाता है, वो एक परंपरा है पुरानी जो चली आ रही है,
लड़की को अपना घर, अपना परिवार, अपनी कास्ट, अपना सरनेम छोड़कर अपने पति का अपनाना पड़ता है। वो एक परंपरा है, उसे तोड़ा जा सकता है। परंपराएं टूटने के लिए आती हैं, टूट कर नई बन जाती हैं। पर ये जो परंपरा है कि किसी को जबरदस्ती फोर्स करना, किसी के साथ इसलिए शादी करना कि उसका धर्म बदला जा सके, ये गलत है। ध्यान से समझो, किसी के साथ शादी, किसी के साथ प्रेम प्रसंग, किसी के साथ भी किसी तरीके का रिलेशन सिर्फ इसलिए बनाना ताकि उसका धर्म बदला जा सके, ये क्या है? गलत है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आई होप बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ पे ये बात? ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कृपाण रखने की आजादी है सिखों में। आप कहोगे सर वो तो एक हथियार है, पर वो क्या उनके धर्म का एक मुख्य चिन्ह है? बोला गया है कि आप बिना इसके नहीं चल सकते, तो कृपाण रखने का यहाँ पे क्या दिया गया? अधिकार दिया गया, क्लियर? फिर यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, किसी धार्मिक आस्था के नाम पर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मेडिसिन मत खाओ, ठीक है? अधार्मिक आस्था के नाम पर आप मानव बलि नहीं दे सकते। धार्मिक आस्था के नाम पर आप क्या लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये भी चार चीजें आती हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म के प्रचार प्रसार आचरण के नाम पर आप क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस हिसाब से तो सड़क पर नमाज पढ़ना क्या है? गलत है। सड़क पर टेंट लगाकर जागरण करना भी गलत है। बात समझ में आई? तो ये जो नमाज पढ़ी जाती है, ये जो जागरण हो रहा है, या कोई भी चीज अगर आप सड़क पे कर रहे हो इस तरीके से, वो क्या है यहाँ पर? गलत है। क्लियर? आई होप बात समझ। क्यों लगातार नमाज का इतना विरोध होता है सड़क पर? वो इसी वजह से होता है। तो लोक व्यवस्था को हानि पहुंच रही है, पर आप कहोगे सर उससे रोड तो नहीं टूट रही। रोड ना टूट रही हो, पर वो जो रोड ब्लॉकेज की वजह से जो जाम लगा हुआ है, जो पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, जो इकोनॉमी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकी रुकी हुई है दिन में 5 टाइम, वो चीज क्या करती है यहाँ पे? गलत इम्पैक्ट डाल रही है। आई होप चीज क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है? फिर आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, पंजाब में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि हालेलुया बोल के किसी का पैर ठीक कर दिया, टूटा हुआ पैर ठीक हो गया, टूटा हुआ हाथ ठीक हो गया, किसी की मिर्गी का दौरा ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया। तो वो जो चल रहा है धर्म के प्रचार के नाम पर, वो भी क्या है यहाँ पे? कंप्लीटली गलत है। बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है कि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन क्या बेनिफिट ले रहा है, किस चीज का? माइनॉरिटी वाले लेवल का। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मानव बलि भी यहाँ पे नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? अब तो खैर मानव बलि समाप्त हो चुकी है, अब ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु फिर भी कभी कभी हमको ये चीज सुनने को मिल जाती है कि किसी स्थान पर ऐसा कुछ किया गया, हो गया या कर दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। या यहाँ पे राइट दिया गया है कि आप अपने रिलीजियस रिलीजन जो है आपका, उसके हिसाब से क्या आप उसके कार्यों को प्रबंधन कर सकते हो, ठीक है? तो आपकी जो भी धार्मिक नियम कायदे कानून है, आप उनके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो? चीजों को मैनेज कर सकते हो, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, क्लियर? तो मतलब कि आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है? आप अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने के लिए क्या एक प्रॉपर यहाँ पे मैनेजमेंट लेकर आ सकते हो, ठीक है? उन अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए क्या आप अपने खुद के यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर आ सकते हो, खुद का काम कर सकते हो, वहां के सारे इश्यूज को या वहां पे जो भी चीजें हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको क्या कर सकते हो? रिजोल्व करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो आपके अपने प्रबंधन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? आपके अपने प्रबंधन या मैनेजमेंट के द्वारा। फिर इसके अलावा आप किसी भी तरीके धार्मिक, एक तरह से बोला जाए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आप किसी भी तरह की संपत्ति को यहाँ पे क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो किसी धर्म के नाम पर। किसी धर्म के नाम पर आप वहां पर क्या कर सकते हो? मंदिर बनवा सकते हो। किसी धर्म के नाम पर आप वहां पर कोई संस्थान बनवा सकते हो, कोई ट्रस्ट बनवा सकते हो, क्लियर? आई होप बात यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को, आर्टिकल 27 यहाँ पे क्या बता रहा है। परंतु स्टेट यहाँ पे क्या नहीं कर सकता? किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अलग से क्या नहीं कर सकता? प्रवोक नहीं कर सकता, अलग से बेनिफिट देने की कोशिश नहीं करेगा, क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नहीं ना? चलो,
कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28 की बात हो रही है यहाँ पे। जब लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, आर्टिकल 27, तो फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू प्रमोट द एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर क्या टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, कि किसी दूसरे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर रिलीजन को क्या कर दिया जाए, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, इसको बढ़ने से रोका जाए तो दूसरा आगे बढ़ जाएगा, या दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उसे बेनिफिट्स दे दिए, क्या दे दिए उसको, बेनिफिट्स दे दिए। तो इस तरीके का कोई भी काम यहाँ पे राज्य नहीं कर सकता, स्टेट यहाँ पे कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं ले सकता किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, याद रहेगी बात ये। तो यहाँ पर टैक्सेस मना किए गए हैं, क्या मना किए गए, टैक्सेस मना किए गए हैं, क्लियर। पर अगर आप कहोगे यहाँ पे फीस, सर फीस में फीस ले सकता है क्या, तो बिल्कुल फीस ले सकता है। तो स्टेट फीस तो किसी जगह पर इम्पोज कर सकता है, पर यहाँ पे टैक्सेस नहीं ले सकता, ध्यान रखना ये चीज, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल, देखो छोटे छोटे सिंपल सिंपल आर्टिकल है, ज्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 28 के बारे में बात हो रही है। अब जब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 28 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को लेकर बात की जा रही है, रिलीजन के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो कोई भी रिलीजन अपने पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है, उनको मेंटेन कर सकता है। पर यहाँ पर स्टेट यहाँ पे पर्टिकुलर किसी रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रवोक करने के लिए क्या नहीं करेगा, फंड मैनेज करने का काम या पैसे देने का काम नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो स्टेट नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर रिलीजन अपने लिए कुछ कर रहा है तो वो कर सकता है, पर स्टेट यहाँ पे क्या नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे फोर्स करने के लिए यहाँ पे कोशिश नहीं करेगा। पर हाँ, उन इंस्टीट्यूट्स का जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो स्टेट में होना जरूरी है, समझ आई बात, जिसे हम लोग बोलते हैं मान्यता प्राप्त होने चाहिए, क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे हेल्प मिल रही है, किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू हेल्प मिल रही है, हेल्प मिल रही है किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू अगर हेल्प मिल रही है, तो वहां पर वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर काम नहीं करेगा, बात समझ में आई। यहां पर वो फिर क्या नहीं करेगा, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर काम नहीं करेगा, पर हाँ अगर वो हेल्प नहीं ले रहा किसी पर्टिकुलर उससे, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने रिलीजियस बेनिफिट के लिए भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी मदरसे में, अब यहाँ पर आता है बात मदरसे वाली, आप लोग ये चीज बोलोगे सर फिर मदरसे को जो सरकार के द्वारा बेनिफिट दिए जाते हैं उसका हिसाब से, तो वहां पर फिर क्या जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको नहीं करवाना जाना चाहिए। तो रिलीजियस अफेयर्स करवाए जा सकते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स दी जा सकती है, पर वहां पे किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उसको फॉलो करो, बात समझ में। अगर किसी मदरसे को सरकार के द्वारा हेल्प मिल रही है, राज्य से सहायता मिल रही है, सरकार या राज्य के द्वारा हेल्प मिल रही है, अगर सहायता मिल रही है, तो फिर ऐसे में वो मदरसा बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो दे पाएगा, परंतु किसी बच्चे को फोर्स नहीं करेगा कि तुमको ये चीज फॉलो करनी है, उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करेगा। पर कोई मदरसा इंडिपेंडेंट है तो वो कर सकता है, बात समझ में आई, क्या चीज है यहाँ पर, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को भी किसी भी तरह का। तो कोई अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू कर रही है तो वहां पर हो सकता है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है और वहां से हेल्प ले रही है, तो फिर वो नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। यहां पर आते हैं सिर्फ दो आर्टिकल, एक आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी,
तो जो भी माइनॉरिटी है किस बेसिस पर माइनॉरिटी है, ठीक है, किस बेस पर माइनॉरिटी होंगे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, उनकी अपनी संस्कृति के बेस पर, तो स्क्रिप्ट के बेस पर, अगर इसमें से किसी बेस पर अगर कोई व्यक्ति माइनॉरिटी है तो उनको क्या यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्या दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हिंदी में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, बात समझ में आई। तो आर्टिकल 29 यहाँ पे क्या बता रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गलत हो गया, सॉरी, क्लियर, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, कोई डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पे मेन जो संरक्षण है वो किसका है, लैंग्वेज का है, स्क्रिप्ट का है और कल्चर का है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इन तीन चीजों को क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। क्लियर यहाँ पे, कोई डाउट किसी को? क्लियर, फिर यहां पे क्या कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा नागरिक है, मतलब किसी भी आधार पर, धर्म के, मूल वंश के, जाति के, भाषा के, इनमें से किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ भी क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर, यहां पर यह चीज भी आती है, ठीक है। और अगर कोई संस्था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो माइनॉरिटीज के थ्रू चलाई जा रही है, उसमें अगर कोई बाहर का व्यक्ति या बच्चा कोई एडमिशन ले लेता है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे में उसको ज्वाइन करने से मना भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई मदरसा है, फिर से वही मदरसे वाला एग्जाम्पल, कोई मदरसा है और उसमें कोई हिंदू बच्चा पढ़ रहा है, और उस मदरसे को जो हेल्प मिल रही है, जो एड मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है। तो ऐसे में क्या किसी भी दूसरे रिलीजन के बच्चे को आप मना नहीं कर सकते वहां पे कि तुम यहाँ पे नहीं बैठोगे, तुम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करोगे, इस चीज के लिए क्या मना नहीं कर सकते। तो राज्य इनमें से किसी भी ग्राउंड पे क्या नहीं कर सकता, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 में, कौन सा राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भी हिंदी वाला पार्ट ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी फॉर दिस, हिंदी वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी को राइट दिया गया है किसके लिए, किसके लिए राइट दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट के लिए राइट दिया गया, उनके अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने का। क्लियर, उसका क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, राइट दिया गया। अब साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिकल 30 में जो राइट है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो पीछे आर्टिकल 20, ये जो हमारा सेकंड पार्ट था 29(2), इसके अकॉर्डिंग माने जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग माने जाएंगे, 29(2) के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 30 एक्चुअल में जो काम करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है, 29(2) के अकॉर्डिंग काम करता है, कि माइनॉरिटीज को सारे के सारे राइट दिए जाएंगे, परंतु वहां पर क्या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा इस संस्था में किसी अन्य बच्चे को शामिल करने से। क्लियर, बात समझ में आई यहां पर? क्लियर, अब यहां पे अल्पसंख्यक आयोग, आप कहोगे सर अल्पसंख्यक से यहां पे क्या मतलब है, तो हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, किसको छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया में रिलीजन है वो सबके सब माइनॉरिटीज हैं, वो सबके सब क्या है, अल्पसंख्यक हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल से आर्टिकल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना पड़े या जिसके लिए अलग से माथापच्ची करनी पड़े, तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ रही हैं। खैर, अब आता है हमारा आखिरी आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, लास्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जब बात होती है तो सीधे सीधे बात आती है हमारे माइंड में किसके बारे में, रिट के बारे में, किसके बारे में आती है, रिट के बारे में बात आती है। जब हम लोग रिट, सॉरी,
रेट के बारे में बात आती है। जब रिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इस रिट को जारी करने का अधिकार दोनों के हाथ में, किसके इसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट जो इसको लागू करता है, ठीक है, उसके अंतर्गत तो आर्टिकल 32 आ जाता है, और यहाँ पर एक आर्टिकल और आता है 139, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पावर एक्चुअल में ये पार्लियामेंट के हाथ में, कि वो कहेगा तभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो 139 ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा बताओ जल्दी से, 226, अनुच्छेद कौन सा, 226। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि वो जब भी फंडामेंटल राइट की बात होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उसे संरक्षण देने का काम करेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस आता है, एक बात आती है 1982, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता केस था। इस केस में पीएन भगवती, जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे, इनके द्वारा ये कहा, इनके द्वारा उस समय पर एक पीआईएल लाई गई। क्या लाया गया, एक पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपको पता होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये कॉन्सेप्ट लाया गया इनके द्वारा। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से फाइनली इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको आसान तरीके से, आसान माध्यम से क्या मिल सके, न्याय मिल सके। और उस न्याय के लिए वो चाहे तो लेटर लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। ये चीज यहां पर इन्होंने कही थी। बात समझ में आई, पीआईएल, पीएन भगवती। तो पीआईएल के जन्म जन्म किसके द्वारा हुआ था, पीएन भगवती के द्वारा हुआ था, आपको ये भी पता चल गया। अब जब हम लोग यहाँ पर रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हमारे पास 5 तरह की रेट्स आती हैं, और इस पर्टिकुलर एक आर्टिकल को यहाँ पे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब यहाँ पे 5 रेट आती है, कौन कौन सी रेट है यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेंटोरियर एंड उसके बाद क्वारंटो। तो ये 5 रिट हैं, हिंदी में बोले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ये सभी की सभी रिट्स कोई भी जो अपर हाई कोर्ट होगा, अपर कोर्ट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे अपर लिख रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हो नहीं सकता, मतलब कि इस तरह से ऐसे समझो आप, सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले को बोल सकता है, मतलब कि हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को बोल सकता है, हाई कोर्ट्स अपने नीचे वाले को बोल सकता है, ठीक है, या फिर अपने नीचे जो भी अधिकारी हैं उनको बोल सकता है, ये भी चाहे तो हाई कोर्ट को बोल सकता है, चाहे तो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को या अधिकारी को बोल सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या कमांड आ रही है एक तरह से हर एक में, क्लियर। सबसे पहले बात की जाती है हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, प्रस्तुत किया जाए, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट। अब क्या प्रेजेंट, इन अ फॉर्म ऑफ बॉडी, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ बॉडी, और किसके सामने, कोर्ट के सामने। तो किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटे से द्वारा किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से अगर आपने उसे बंदी बना रखा है, चाहे आपकी प्राइवेट कस्टडी हो, चाहे पुलिस की कस्टडी हो, चाहे किसी आधिकारिक ऑफिस में बैठा रखा हो, 24 घंटे से ज्यादा अगर आपने किसी व्यक्ति को बैठा रखा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्लियर। ये वहीं पर वो आपका जो आता है आर्टिकल 20, 22, वो वहीं पर वही वाली बात हो रही है वहां पर, कि 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ठीक है, वो चीज यहीं से आती है। फिर आता है यहाँ पे क्या, मैंडमस, परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है, वी कमांड या वी ऑर्डर। ऑर्डर क्या, जो भी अपर कोर्ट होगी वो क्या अपने लोअर कोर्ट को, अपने अधीनस्थ जितने भी कोर्ट्स होंगे, जितनी भी अथॉरिटीज होंगी, उनको कमांड देगी, उनको क्या करेगी, कमांड देगी कि हमारा आदेश है, अब आपको ये काम करना है, क्लियर। बात समझ में आई,
तो किसी चीज को करवाने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में आपको पता है कई जगह आपने वर्ड सुना होगा, प्रोहिबिट मतलब मना करना, रोकना। तो किसी भी अपर कोर्ट के थ्रू किसी भी लोअर कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को किसी काम के लिए रोकना या मना करना क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्रतिषेध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिषेध कहलाएगा। बात समझ में आई आपके? प्रोहिबिशन कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकती है, हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को या अधिकारियों को बोल सकता है। फिर आता है सेंटोरियर। सेंटोरियर क्या? प्रमाणित करना, सर्टिफाइड करना कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी अपर कोर्ट, कोई भी अपर कोर्ट या लोअर कोर्ट या कोई भी है, तो यहाँ पे जो भी अपर कोर्ट होगा, कोई भी अपर कोर्ट होगा, वो नीचे वाले कोर्ट को क्या या नीचे वाले अधिकारी को बोलेगा, जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या करो, हमको बताओ, प्रमाणित करो उसे। हमारे पास क्या लेकर आओ? इंफॉर्मेशन लेकर आओ, सूचना लेकर आओ कि क्या अपडेट चल रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर? फिर लास्ट आता है यहाँ पे क्यों वारंटो। क्यों वारंटो जब बोला जाए तो यहाँ पे क्या होता है, क्यों वारंटो मतलब प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका क्या अधिकार है, आपने अगर कोई एक्शन लिया है तो क्यों वो एक्शन लिया है, क्या रीजन है उस एक्शन को लेने का, उस चीज को बताने के लिए क्या है, यहाँ पे क्यों वारंटो आता है। क्या आता है? क्यों वारंटो आता है। आई होप बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है? यहाँ पे पांच रेट कौन कौन सी हमारी, आर्टिकल 226 भी पता चल गया, आर्टिकल 32 भी पता चल गया। तो वही 26 वाली बात यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है कि जो भी हाई कोर्ट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसके माध्यम से आर्टिकल 226 के माध्यम से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। अगर आपके जो मैटर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्रिटिकल है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। बात समझ में आई यहाँ पे? कोई डाउट किसी को भी किसी तरह का? देखो उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, क्लासेस लगातार हमारी पसंद आ रही हैं, आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करो यार। आप लोगों का ये लाइक और शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे, उतने ज़्यादा YouTube क्या करेगा, उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मीम है, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को देखकर, आप काफी फेमस मीम है, ठीक है। और पॉलिटी वाले बच्चे इसको बड़े आसान से आराम से समझ लेंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। तो जब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वो राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, जिनके लिए आप लोग क्या गारंटीड राइट्स हैं, आप डिमांड कर सकते हो, अगर कोई छीन ले आपके अधिकार तो उसको पनिशमेंट दे सकते हो। पर फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे पनिशेबल नहीं है, और यहाँ पर आप खुद भी क्या करते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते। तो बात उन दिनों की है 1975 की, तब की बात है 1975 की, इंडिया में लगी थी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं इमरजेंसी के टाइम पर, उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था ये चेक करना कि हमें संविधान में कौन कौन से बदलाव करने हैं। रिकमेंडेशन मांगा गया, उस रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन थी किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज की। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। 42nd अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। कहाँ पर जोड़ा गया, पार्ट 4A में जोड़ा गया, मतलब यही पार्ट 4, मतलब कि DPSP के ही एक सब क्लॉज बनाया गया, उसमें पार्ट 4A बनाया गया, जिसमें 51A के नाम से क्या एक आर्टिकल रखा गया जिसमें इसको डाला गया। क्लियर? कहाँ से लिया गया, तो रशिया से, USSR से इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या भारत के नागरिकों के लिए, फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। और ये नॉन जुडिशियबल है, नॉन जुडिशियबल मतलब कि इसके ऊपर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल सकती। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल में डाला जाएगा। कौन कौन से यहाँ पर राइट है, शुरुआत में जब ये आए थे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो केवल कितने थे, 10 थे। 2002 में एक और जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन वाला।
अब जरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। संविधान को फॉलो करना, उसके आदर्शों को, उसके संस्थाओं को मानना, ठीक है, अपने नेशनल एम्बलम या अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष में जो महान व्यक्ति मारे गए, ठीक है, उनको फॉलो करना, उनको, उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये चीज़। फिर यहाँ पे क्या कहा गया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बढ़ाना, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और क्या कहा गया, अपने देश नेशन को प्रोटेक्ट करना और उसकी सर्व उसको सर्विसेज देना, ठीक है, भाषा, धर्म या किसी पर्टिकुलर एरिया के आधार पर क्या, भारत के लोगों के बीच में सद्भाव स्थापित करना, भाईचारा, ब्रदरहुड को इस्टेब्लिश करना, ये चीज़ आती है, क्योंकि नो डाउट हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसका ध्यान रखना, महिलाओं की डिग्निटी को, गरिमा का ध्यान रखना। और क्या कहा गया है कि जो हमारे हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, उनका सम्मान करना, ठीक है, साइंटिफिक जो थ्योरी है उसको मानना, मानवता के सिद्धांतों को मानना, उनमें सुधार करना, भावनाओं को सुधारना। फिर इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी उसको सुरक्षा देना, ठीक है, उसको क्या करना, सुरक्षा देना, उसको ही उसकी रक्षा करना, सुरक्षा देना मतलब रक्षा करना। और क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट है, किसी व्यक्तिगत या जो समूह है, किसी व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि में क्या, क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। एंड लास्ट आता है हमारा 11th, क्या आता है 11th हमारा, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का राइट देना। आपको बताया था अभी 2002 में 86th अमेंडमेंट, अभी 2 सेकंड पहले बताया आपको ये चीज़, इसको कब जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया था, तो शुरुआत में 10 थे, फिर क्या एक और ऐड हो गया यहाँ पर, तो अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कितने हैं, 11 हैं। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। यहाँ पे बात समझ आई आप लोगों को, तो आज हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट खत्म हो गया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अभी जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो वहां पे हो सकता है फिर से मैं जब आर्टिकल 51 बताऊंगा, तो फिर से एक बार इसके बारे में बोलूंगा, तब फिर से एक बार छोटी मोटी बातें करेंगे। जैसे आज मैंने आपको 11 के 11 फंडामेंटल राइट बताए हैं, तब शायद ये ना बताया जाए, केवल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, परंतु दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया भाई, एक बार हाँ या ना बता दो जरा। और रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना ज्यादा प्यार दो, ठीक है, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करो, एंड प्लीज इसको शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज पानी बचाओ, अपनी मिट्टी को संरक्षित करो, उसे बचाओ, और साथ साथ पेड़ों को भी बचाओ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, लगातार हमारे साथ आप लोग बने हुए, जो पुराने बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियोज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाइए, और वहाँ पे इन सारे YouTube वीडियोस का लाभ उठाइए, हमारी प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है इन सारे टॉपिक्स को लेकर, वहाँ पे जाकर आप हर एक प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो, सेव कर सकते हो, और इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे जाकर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ये सारे जो लिंक्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, एप्लीकेशन के, वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मुझे दीजिए विदा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।